आज के इस काव्य पाठ में भाई मैं अपनी पंक्तियों को शुरू करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपने बड़े धैर्य से बाकी कवियों को भी सुना है और ये चंद लाइनें मैं आपकी नज़र करता हूँ, उसके बाद अपने आप को प्रारंभ करता हूँ कि कवि उसको कहते हैं कि जो अपने सीने का दर्द छिपाकर आपको बच्चों की भूख मिटाने के लिए सिर्फ हंसाने चला आता है। अपने सीने पर रख पत्थर, अपने दर्द को छिपा, सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देने के लिए आता है। उस व्यक्ति का नाम कवि होता है जिसके दिल में लाखों दर्द हों लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट वो हर किसी के देखना चाहता है। खैर तालियां उन्होंने बजा दी जिनको समझ में आ गया, जिनको समझ में नहीं आया वो पड़ोसी से पूछ रहे कि कवि क्या कह गया। भाई वाह वाह। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं खुद को प्रारंभ कर लूं कि ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है दोस्तों, ये हमारे जमाने की चीज़ नहीं है, ये जमाने के नए जो टेक्नोलॉजी है उस जमाने की चीज़ है, लेकिन इसने लाखों लोगों की इज्जत रखी हुई है। ये जब नहीं था तो बड़े विचित्र तरह के लोगों को परिणाम झेलने पड़ते थे और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दुकान पर जाते थे और फिल्मी कपड़ों की फरमाइश करते थे, ऐसे लोगों की डायरेक्ट बेइज्जती हुआ करती थी। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसे एक किस्सा हुआ है कि जब दुकान से आना ही मौत पड़ गया। आज भी उस मार्केट में अगर मैं बात जाने की सोचता हूँ तो मुझे वो अपनी बेइज्जती वाली पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। बात यह थी दरअसल कि मैं 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ता था। अब आपको अंदाजा होगा कि जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी पतले दुबले होते हैं, मैं भी 30-35-40 किलो का रहा होऊंगा, एक काला सा बच्चा, पतला सा बच्चा। और उन्हीं दिनों फिल्म आ गई शाहरुख खान की दिल तो पागल है, और शाहरुख खान ने उसमें एक टी शर्ट पहन रखी थी, रेड एंड वाइट शर्ट जो स्ट्रिप बनी हुई थी। अब मेरे मन में भी आ गई मैं भी शाहरुख खान की टी शर्ट पहनूंगा फुल स्लीव की। अब मैं चला गया मार्केट में लेने के लिए और मैं दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार से मैंने कहा कि भाई शाहरुख खान की दिल तो पागल वाली रेड एंड वाइट टी शर्ट दे दो। अब दुकानदार एकदम चौंक गया, बोला किसके लिए? मैंने भी गजब से कहा मेरे लिए। अब वो और भी ज़्यादा चौंक गया और थोड़ा घबरा भी गया, बोला आपके लिए? मैं कहा हाँ मेरे लिए। कह रहा बेटे 10 मिनट दुकान के बाहर चला जा। मैं कहा क्यों? कह रहा मुझे हंसी आ रही है। वाह 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 वाह। अब समझ तो मैं भी गया कि इनडायरेक्ट वे में मेरी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन करता क्या, इस बेइज्जती का भी मैं खुद जिम्मेदार था। ऐसी एक दूसरी महिला को मैंने देखा आज के दौर में कि उसकी भी इस तरह से बेइज्जती हुई। वह महिला इतनी मोटी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा था कि कपड़ों ने उसको फंसा रखा है। और वो दुकान पर मठलाती हुई गई और जाकर दुकानदार से बोली बाजीराव मस्तानी का सूट दिखा दो। अब दुकानदार उसे घबरा के ऐसे देख रहा है जैसे उसने डायनासोर देख लिया हो। भाई वाह वाह। यूं समझो कि उसके सामने चलता फिरता पूरा भूगोल आ गया हो और उसमें भारत ढूंढ रहा हो। उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ऐसे थे। तो जब से ऑनलाइन का जमाना आया शॉपिंग का, तब से ऐसी डायरेक्ट सीधी बेइज्जती होने से लोग बच गए। एक बार मैं अपने बड़े भाई से बोला, मैं कह यार मेरे संग एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई बोला क्या? मैं कह यार मैं चीज़ तो खरीदना चाहता हूँ पर मुझे मोल भाव करना नहीं आता। मेरा भाई बोला बस पकड़े, इतना सा काम, ये तो बड़ा आसान है, इसका इलाज तो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बताओ। मेरा भाई बोला कि मैं जाता हूँ दुकान पर, सामान पसंद करता हूँ और रेट पूछता हूँ, जैसे ही दुकानदार उसकी कीमत बताता है तो मैं तपाक से कहता हूँ कि क्या मैं चेहरे से सी दिखाई देता हूँ। भाई वाह वाह। अब मैं समझ गया कि मुझे भी यही करना है, भाई वाला फार्मूला अपनाना है और रेट कम करवाने। कुछ दिनों बाद मैं भी चला गया जूते खरीदने के लिए, मैंने भी जूते देखे और पसंद किए और दुकानदार से उसका भाव पूछा, और जैसे ही दुकानदार ने भाव बताया तो मेरे को अपने भाई की लाइन याद आ गई, मैंने भी बोल दिया कि क्या चेहरे से मैं सी दिखता हूँ। अब इतना सुनना था और जवाब देने की बारी दुकानदार की थी। वो बोला आपकी तो बात ही क्या है, यहाँ तो आपसे भी बड़े बड़े आते हैं। हरियाणा की बात करना ही अपने आप में मजेदार है। जिस तरह हरियाणा के लोग उल्टे सवाल करते हैं वैसे ही हरियाणा के लोग उल्टे जवाब भी देते हैं। अब देखिएगा एक मामले में क्या हुआ कि एक आदमी की भैंस कट गई ट्रेन से, उसने केस कर दिया ट्रेन ड्राइवर के ऊपर। अब मामला अदालत में आ गया। अब जज देखिए क्या कहता है। जज ने पूछा भैंस के मालिक से, वो पटरी पे चल रही थी के? अब इतना सुनते ही भैंस के मालिक का दिमाग खराब, वो तपाक से बोला नहीं जज साहब, वो पटरी पे ना चल रही थी, वो तो खेत में चल रही थी, इंजन का ही दिल उस पे आ गया था जो पटरी छोड़ के खेत में आ गया था। देखिए इंसान की जिंदगी पर ना माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक माहौल का फर्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो वहाँ एक बंदर सो रहा होता है। अब एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा दूसरे बच्चे से क्या कहता है, देखिए कितनी सभ्य भाषा में बोलता है, हे लुक दैट,
मंकी इज स्लिपिंग। अब उसके बाद पहुंच जाते हैं दोपहर के बाद में सरकारी स्कूल के हिंदी मीडियम के बच्चे, और बंदर अब भी सो रहा होता है तो सरकारी स्कूल का बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, देख बबलू तेरा बाप सो रहा है। वाह 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 वाह।